नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठान आनंद उत्सव समिति के द्वारा शहर के मध्य स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित पार्क में पीले अक्षत वितरण का भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। समिति के खंड संयोजक सौरभ खंडेवाल ने बताया कि पीले अक्षत वितरण समारोह एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पीले अक्षत वितरण समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेड़ागिरी ने महंत बाल का देव आचार्य पुष्पाकरण मंदिर के महंत पंकज शास्त्री गरीबदास मंदिर महंत बागेश्वर धाम और हनुमान मंदिर सुगम त्रिवेद के महंत रमेश गिरी रहे तथा मुख्य वक्ता पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचार प्रमुख सुनील कुमार ने बताया कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम केवल एक मंदिर की मूर्ति स्थापना नहीं है। देश के ऊपर जो विदेशी आक्रात्माओं के आक्रमण है अत्याचार हुए उनका प्रतिकार है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान देश के प्रतिष्ठान और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ विषय, इसीलिए देश भर में सम्मान समस्त ग्रामीण और हिंदू समाज के लोगों ने इस अभियान के तहत निमंत्रण पहुंचाया। यह हम सभी की जिम्मेदारी है। यह शोभा यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बालाजी मंदिर पर यात्रा समापन हुआ। आज श्री राम जन्मभूमि आनंद उत्सव समिति खैरदल द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में पीले चावल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें खैरतल नगर के आसपास के 72 गाँव और खैरतल नगर की लगभग 19 बस्तियों से राम भक्त पहुँचे और उसके पश्चात खैरतल नगर के प्रमुख मार्गों से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा एवं आतिशबाजी कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इसके पश्चात जो योजना बनी है उसमें 1 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक खैरतल नगर के आसपास के 72 गांव एवं नगर में 19 बस्तियों में सभी हिंदू घरों में जो पीले चावल गए हैं उन सबको सभी घरों में पहुंचाने का हिंदू राम भक्तों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। उसके पश्चात 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है उसका सभी अपने अपने मोहल्ले के मंदिरों में 11 बजे से और 2 बजे तक उसका आयोजन करेंगे, जिसमें विजय महामंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ, हवन यज्ञ कुछ भी कर सकते हैं।